सब्सक्राइब करें कंप्यूटर ब्लॉक चैनल को और साथ में बेल आइकन को दबाए ताकि आने वाले गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, इंडियन आर्मी में थोड़ी देर पहले एक जॉब का नोटिफिकेशन आया, तो हम फ्रेंड्स उसके डिटेल्स में बात करेंगे। दैट मीन्स इंडियन आर्मी में जो न्यू रिक्रूटमेंट आया है, अगर उसके लिए हम लोग अप्लाई करना है तो क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, सारे डिटेल्स में बात करते हैं फ्रेंड्स इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स वीडियो को फ्रांस से लास्ट तक देखते रहे। तो फ्रेंड्स, इंडियन आर्मी का ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, हम डिटेल्स में बात कर लेते हैं करके। तो फ्रेंड्स, नंबर वन पर है, एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम अनमेरिट मेल कैंडिडेट्स। तो फ्रेंड्स, ये जो रिक्रूटमेंट होगा ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए, बट ये अनमेरिट कैंडिडेट के लिए होगा। तो फ्रेंड्स, नंबर टू पे हम बात करते हैं इलिजिबल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ए सिटीजन ऑफ इंडिया, तो भारत की कोई भी स्टेट से हो आप इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और आप इसके लिए एलिजिबल भी हो। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं एज लिमिट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कैंडिडेट को एज का जो लिमिट दिया है उन्होंने 16.5 ईयर्स से स्टार्ट करके अबव 19.5 ईयर्स तक होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कैंडिडेट शुड नॉट बी बोर्न ऑन 1 जनवरी 2000 एंड नॉट आफ्टर 1 जनवरी 2003। तो फ्रेंड्स, हम एडुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात कर लेते हैं, ओनली दोज कैंडिडेट्स हुए फर्स्ट 12th एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट विथ ए मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 70% मार्क्स होना चाहिए फ्रेंड्स यहाँ पर इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में। अगर कैंडिडेट को ये मार्क्स है तो ही फ्रेंड्स इसके लिए आप एलिजिबल हो और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन। तो फ्रेंड्स, मेडिकल एग्जामिनेशन इंडियन आर्मी की बाकी जो रिक्रूटमेंट है वही सेम टू सेम है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आप काइंडली चेक कर लीजिए। मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक दे दिया, आप वहाँ से क्लिक करके भी सारे डिटेल्स जान सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं वैकेंसीज के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुल मिलाकर 90 वैकेंसी है। तो फ्रेंड्स, ये इंक्रीज भी हो सकते हैं और डिक्रीज भी हो सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं सीनियरिटी। तो फ्रेंड्स, इंडियन आर्मी में जो सीनियरिटी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा वो ओवरऑल मेरिट की बेस ऊपर डिपेंड करके आप लोगों को सीनियरिटी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ट्रेनिंग, दैट मीन्स आप लोगों को सिलेक्शन होने के बाद यहाँ पर 5 ईयर्स का ट्रेनिंग होगा। तो फ्रेंड्स, नंबर वन पर जो है बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग हो आपको ये 1 ईयर के लिए। यहाँ पर उसके बाद होगा टेक्निकल ट्रेनिंग। टेक्निकल ट्रेनिंग फ्रेंड्स फेज वन और फेज टू में होगा। फेज वन में फ्रेंड्स आप लोगों को 3 ईयर्स का ट्रेनिंग होगा, उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों का 1 ईयर्स का। तो फ्रेंड्स, स्कूल में लगेगा टोटल 5 ईयर्स का ट्रेनिंग होगा। फ्रेंड्स, उसके बाद है अवार्ड ऑफ डिग्री। तो फ्रेंड्स, उसके बाद ट्रेनिंग कम्प्लीट करने के बाद ही फ्रेंड्स यहाँ पर डिग्री मिलेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम थोड़ा प्रमोशन के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर इंडियन आर्मी में एक एक करके बहुत सारा प्रमोशन मिल सकता है आप लोगों को, जैसे कि लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, इस तरह बहुत सारा रैंक है। अगर आप लोगों को ये सिलेक्शन मिल जाते हैं और धीरे धीरे आप लोगों का ये रैंक भी मिल जाएगा अगर आप मेरिट बेसिस से चलते हो तो। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं पे स्केल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पे स्केल है इंडियन आर्मी में, आप लोगों का रैंक के साथ साथ ये पे स्केल भी इंक्रीज होते हैं डे बाई डे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं इंडियन आर्मी में, जैसे कि यूनिफॉर्म का अलाउंस, फ्री रेस्टोरेंट्स के अलाउंस, ट्रांसपोर्ट के अलाउंस मिलते हैं, उससे फ्रेंड्स चिल्ड्रेन एडुकेशन का भी अलाउंस मिलता है। तो फ्रेंड्स, कुल मिलाकर बहुत अच्छे वैकेंसी है इंडियन आर्मी में। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई। दैट फ्रेंड्स, कैंडिडेट को अगर ऊपर में जो डिस्कस किया हमने क्वालिफिकेशन सारे डिटेल्स मिल जाती है तो कैसे अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो उनका वेबसाइट है www.joinindianarmy.nic.in, उसमें जाके ऑनलाइन आप लोगों को ये एप्लीकेशन भरना होगा। अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, ये सिलेक्शन प्रोसेस है फुल्ली डिपेंडेंट होगा आप लोगों का काट ऑफ जो परसेंटेज है उसके ऊपर डिपेंड करके। दैट मीन्स मेरिट बेस से आप लोग, ये बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है जो जो कैंडिडेट सोचते हैं इसके लिए अप्लाई करना है। ये 29 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया, दैट मीन्स आज से स्टार्ट होगा, ये 27 नवंबर 2018 लास्ट डेट है। तो फ्रेंड्स, इंडियन आर्मी में जो रिक्रूटमेंट आया है उसके बारे में डिटेल्स में बात की इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना भूलिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।